आज हम लोगों के बीच में बहुत सारे पुराने न्यूरोथेरेपिस्ट जिन्होंने न्यूरोथेरेपी कोर्स को कंप्लीट कर लिया है या अभी अभी कंप्लीट करा है, तो उनका क्या अनुभव रहा इस कोर्स को करने के दौरान, ट्रीटमेंट को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर, न्यूरोथेरेपी कोर्स को लेकर। तो हम लोग एक एक कर उनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है न्यूरोथेरेपी को लेकर भी वो आप सबके साथ साझा करेंगे, ताकि आप लोगों को भी अपने डिप्लोमा की तैयारी करने में या न्यूरोथेरेपी को समझने में या पेपर की तैयारी करने में किस तरीके से उनकी तरफ से मदद मिल सकती है वो हमें सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे, रमेश जी को बुलाते हैं। रमेश जी हमारे दिल्ली के ही न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, जनकपुरी रहते हैं। बाकी सारे का सारा डिटेल वो बताएंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा इस कोर्स के दौरान में। नमस्कार, मैं रमेश चंद दिल्ली से। मैं सोचता था कि भी मैं अल्टरनेटिव थेरेपी में काफ़ी इंटरेस्टेड था बचपन से ही, और कभी सुजो कभी एक्यूप्रेशर इन्हें ट्रीटमेंट भी करवाता था, सीखने का भी बड़ा मन करता था, किंतु कोई सिस्टमेटिक मैं देखा कोई पढ़ाई सिस्टमेटिक कहीं नहीं हो रही। फिर मुझे पता चला न्यूरोथेरेपी का यूट्यूब के थ्रू नवल सर का, तो बाकी मैंने यूट्यूब भी देखे किंतु मुझे नवल सर का ही सबसे अच्छा लगा इनका समझाने का तरीका। तो इनका एक फ्री सेमिनार था, फ्री वन डे ट्रेनिंग थी, तो उस दिन मैं आया संडे को, उनके सेल्फ ट्रीटमेंट का कोर्स था। उस दिन मैं अपना फीस भी लेके आया था, मुझे था कि आज मुझे फीस जमा करा देनी है, करा दी मैंने उस दिन सर को पूरा एडवांस ठीक के। उसके बाद जब पढ़ाई शुरू हुई तो मैंने देखा कि ये तो ट्वेल्थ पास के का कोर्स है, किंतु ये ग्रेजुएशन लेवल का भी बच्चा घबराता है एग्ज़ाम देने से, इतनी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाई हो रही है, बड़े सिस्टमेटिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी और हर पॉइंट सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाए। 10 बार पूछा, 10 बार बताए, कोई सर का कोई इतने आराम से समझाते हैं, और जब आप इनसे मिलने जाते हैं इनके कैबिन में तो ऐसे नहीं लगता आप पहली बार जा रहे हैं, लगता है कि आप ये पहले आप इनसे पहले हमेशा जानते हैं, इतने मुस्कुरा के बात करते हैं, सहज भाव से मिलते हैं। और बाकी अब जब हमने पढ़ाई की, बार बार पढ़ना पड़ता है, हर बार लगता है कुछ नया पढ़ रहे हैं, और हर मतलब इसमें काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। और हम सेंटर में भी आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सेंटर में आने का अलग ही फ़ायदा है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, आपस में मिलना भी होता है बाकी स्टूडेंट से और सर से इंटरेक्शन होता है। ऑफलाइन क्लासेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, उसका तो मुकाबला ही नहीं ऑफलाइन क्लासेस का तो। और बाकी जब हमने फिर कोर्स कर लिया तो हमने पड़ोसी से पूछने लगे भी क्या तकलीफ़ है, कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलते थे मैं फिजियोथेरेपी के लिए जा रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने कहा कि आपका अगर आराम ना आए तो फिर मुझे बता देना, तो उन्होंने कहा पता नहीं ये क्यों कह रहा है ऐसा, तो कोई फिजियोथेरेपी में जा रहा है तो मैं मना तो नहीं कर सकते ना। तो फिर 10-15 दिन बाद फिर मैं मिले तो भाई थोड़ा आराम तो नहीं आया, फिर वो मैंने कहा भाई मुझे मेरे पास आ जाओ, तो उन्होंने कहा आप क्या करोगे, मैंने कहा मैं न्यूरोथेरेपी से आपका ट्रीटमेंट करूँगा, तो आए तो उनका ट्रीटमेंट हुआ, उनका 5-6 सिटिंग में उनका आराम हो गया, तो इतना इम्प्रेस हुए। 70 साल के थे, उनका लेग में पीछे पेन था, उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को भेजा है 15-20 दिन के बाद, उनकी फिर डॉक्टर इन लॉ भी आई मेरे पास ट्रीटमेंट कराने, शियाटिका का, अब हाइपोथायराइड का करवाना चाह रही हो, ऐसे ही डिप्रेशन की एक लेडी है 70 ईयर की ओल्ड की, वो 2 बसें बदल के आने लगी ट्रीटमेंट के लिए। तो ऐसे कई लोग आने लगे, दूर से भी आने लगे, दूर वाले का ये प्रॉब्लम है कि वो रेगुलर नहीं हो पाते ट्रीटमेंट के लिए, वो गैप कर जाते हैं, तो इसलिए उनको इतना फ़ायदा ही मिलता है, फिर वो न्यूरोथेरेपी में फ़र्क आ जाता है कि भाई इतना लाभ नहीं मिलता। तो पेशेंट को भी रेगुलर होना ज़रूरी है, डाइट फॉलो करना ज़रूरी है और एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नवल सर का, जिन्होंने इतनी लगन के साथ हमारी मेहनत की, उन्होंने मेहनत की और हमें न्यूरोथेरेपी में सफल बनाया। थैंक यू वेरी मच।